पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। ममता ने कहा कि बैठक में विपक्ष की तरफ से कोई नहीं था और उन्हें 15 मिनट बोलने का मौका दिया गया, लेकिन बंगाल का पक्ष रखने पर रोक दिया गया। नीति आयोग की नवीन गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस किया जा रहा है। बैठक में ममता बनर्जी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हैं। हालांकि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया है, जिनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड शामिल है। एनडीए के प्रमुख सहयोगी जेडीयू के नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले कहा था कि नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को वापस लाना चाहिए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी। बैठक में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। नीति आयोग का कहना है कि देश के $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। 16 जुलाई को केंद्र सरकार ने नीति आयोग की नई टीम का ऐलान किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष और सुमन के बेरी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। 4 पूर्णकालिक सदस्यों और 15 केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए वी नेशन के साथ। जय हिंद।